जिला पुलिस कप्तान भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाए गए नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। कालामाली की सीआईए पुलिस ने एएसआई प्रेम सिंह के नेतृत्व में एलनाबाद के खारी सुरेला क्षेत्र से पिकअप में सवार 3 लोगों को 40 किलो चूरा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी राजस्थान के चूरू जिला की तारानगर तहसील के गांव ढाणी तेतरवाल के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी ओम प्रकाश ने बताया कि कालावाली की सीआईए पुलिस के एएसआई प्रेम सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टी ने एलनाबाद के खारी सुरेला क्षेत्र में नाका लगाया था। उन्होंने वहां एक पिकअप गाड़ी को रोककर तलाशी ली तो उसमें से 40 किलो चूरा पोस्त बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पिकअप को भी कब्जे में ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान गोपाल पुत्र ईश्वर, दूसरा नेत्राम पुत्र रजीराम और शंकर पुत्र हेतराम, तीनों निवासी ढाणी तेतरवाल तहसील तारानगर जिला चूरू के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आज कोर्ट में पेश कर दिया है। श्री कालावाली की टीम ने एसपी साहब श्री भूपेंद्र सिंह के दिशा निर्देश में नशा मुक्ति जो अभियान चलाया है जिले के लिए, उसके तहत कार्रवाई करते हुए खारी सुरेला क्षेत्र से एक पिकअप में सवार 3 लोगों से 40 किलो चूरा पोस्त बरामद की है, जिनको आज कोर्ट में पेश करके रिमांड लिया गया है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, सप्लायर की तलाश में आज जाएंगे। कौन कौन लोग हैं सर जो पकड़े गए, इनकी पहचान क्या है? पकड़े गए एक तो गोपाल पुत्र ईश्वर है, दूसरा है नेत्राम पुत्र रजीराम और तीसरा है शंकरलाल पुत्र हेतराम, वासी है ढाणी तेतरवाल जिला चूरू। जी, और जो ये जो कहाँ से लेके आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? राजस्थान से लेके आए थे, आगे इन्होंने कहीं पंजाब में लेके जाना। जी, तो अपनी कौन सी पुलिस पार्टी? कालावाड़ी से आई है, प्रेम सिंह एएसआई के नेतृत्व में थी। कितने दिनों के रिमांड पे दिए गए सर? अभी पेश करने गए हैं, इनको रिमांड दिया जाएगा। दोस्तों, बताया जाता है कि उक्त युवक एलनाबाद क्षेत्र से सूखा चारा एकत्र करके उसे राजस्थान क्षेत्र में बेचने का व्यवसाय करते थे और इसी सूखे चारे की आड़ में वे राजस्थान से चूरा पोस्त लाकर पंजाब हरियाणा क्षेत्र में सप्लाई भी करने लगे और आज पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जब्त की गई पिकअप भी किसी अन्य व्यक्ति के नाम बताई जाती है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करके मास्टरमाइंड को रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है ताकि उससे और अधिक जानकारी हासिल की जा सके। आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।